बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है नाजिया इलाही खान ने फतवा गैंग मौलानाओं को उनकी असली औकात बता दी। मिस्टर मुन्ना भाई की ओर से ये वीडियो है। क्या बात है, मिस्टर मुन्ना भाई चैनल का नाम है, उस चैनल की ओर से वीडियो है। और जिस हिसाब से जो टाइटल है नाजिया इलाही खान, उसका भी यूट्यूब चैनल है और वो भी एक एक्टिविस्ट है, वो आई थिंक वो एडवोकेट है, और उनके खिलाफ फतवा जारी किया, ऐसा वीडियो का टाइटल है। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही हमें पूरा डिटेल्स में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली बार चैनल पर आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। अरे बोलिए भाई साहब, भारत माता की जय। जय बोलना पड़ेगा। भारत माता की मैं बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मैं भी बोलूं हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। इसके डिक्शनरी में माता, बहन, बेटी नाम का शब्द होगा ही नहीं, इसलिए बेचारा नहीं बोल पा रहा है। लेकिन भौजी, भौजी बोलेंगी। बोलिए भौजी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय बीजेपी का नारा है, और जो भी लगाएगा, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो, वो मान लिया जाएगा कि वो बीजेपी का घुसपैठी। नहीं रे चाचा, ये बात ही नहीं है, बात कुछ और है। और उसी बात को बताने के लिए शेरनी नाजिया इलाही खान आ रही हैं, जो तुम लोगों की औकात बताएंगी और साथ में तुम्हारे आका पप्पू एंड कंपनी के खानदान का औकात बताएंगी। हाँ, दर्शन करा मैंने, मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, आप मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती, और मजार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मजार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊं मैं? जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने, तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? बातों में दम होना चाहिए मैडम, और साथ में ये भी सही है कि जिनकी जली है उनकी जलती रहेगी, और हम उनके लिए जा रहे हैं बर्नौल लाने। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 का शरिया लॉ को, और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं। मैं जिन्ना को मानूं, मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। ना जी, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। बड़े हरामी मानुस है पोर्की वाले। अरे, इसको भी प्रसादी समझकर चाट लेंगे तुम्हारे थूक को, क्योंकि चाट वाला ट्रेंड, चाटने वाला ट्रेंड उन्हीं के हाथ से चला है ना। चाटने वाला नहीं, थूकने वाला, थूक कर खाने वाला। ऐसी गलती नहीं करने का बाबा। मोदी के प्रिंस खुर्शीद साहब के लिए क्यों नहीं फतवा आ रहा है? दुबई के शहजादे के लिए वहां तो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है और गले मिल रहे हैं खुर्शीद साहब। अब बताएं, कोई फतवा बताएं, क्योंकि खुर्शीद साहब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। देखिए, मैं अपने 5 पुश्त के बारे में बता सकती हूँ, नाना, नानी, दादा, दादी, पर क्या पता मेरा 6ठा पुश्त सनातनी होगा। नहीं, होगा नहीं वाली बात है, आप भी कंफ्यूजन मत पैदा करिए। 6ठा पुश्त होगा नहीं, 6ठा पुश्त सनातनी ही है, नाम राम लाली होगा। और जहाँ तक बात रही यूएई के शहजादे के ऊपर फतवा जारी करने का, तो देखो, अथवा फतवा वाला काम ये यहीं हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। वहाँ के शहजादे के लिए जो फतवा जारी करेगा उसका फतवा काट लेंगे वो, क्योंकि भौंकने की आज़ादी हिंदुस्तान में मिलती है, बाहर नहीं, अरब कंट्री में तो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के लोग भी यही बोल रहे हैं ना कि हम भी परमाणु शक्ति हैं, हमें नहीं इनवाइट किया G20 में, बहुत गलत किया भारत ने, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखो मैडम, ना जी मैडम, मैं आपके बातों से यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान को तुमने कुत्ता बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुत्तों का कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है, आपने पाकिस्तान को कुत्ता बोल दिया। माना उसके देश का नक्शा कुत्ते जैसा है, दिखने में लगता है, तो इसका मतलब वो कुत्ता हो गया। ना ना, ना, ना। सुअर ही रहेगा। अच्छा देखिए, इनकी पार्शियलिटी पाकिस्तान की, जब चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का, जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है, तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। यहाँ भी आपने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। चाइना कैसे बाप हो सकता है पाकिस्तान का? बाप तो हम हैं, हम ही रहेंगे, हम ही थे। चाइना नाजायज दामाद है आजकल उसका। 72 हुए का मतलब क्या होता है? देखिए,
अगर मान लीजिए मैंने आपको कन्विंस कर लिया, कन्विंस करने के बाद मैंने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, तो अल्लाह की नज़र में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मैं बहुत अच्छी मुसलमान हो गई। अगर मैं मर्द होती तो मुझे खूबसूरत तराशी हुई 72 वर्जिन हो रहे, जिसकी एक वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई है, वर्जिन हो रहे मुझे आसमान पर मिलेगी, 135 फुट की होगी। ओह माय गॉड, इतना मेहनत करना पड़ता है 72 हूरों के लिए? तभी तो मैं कहूँ कि भाई पत्थर भी मार लेते हैं, पत्थर मारने के बाद डंडे भी खा लेते हैं, फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। से कौन सी लालच है इतनी, कितनी बड़ी इनकी लालच है भाई, सुधरने पे ही नहीं आते, मानते ही नहीं डंडे खाने के बाद भी। लगता है सब वर्जिन का ही खेला है, वर्जिन का। लेकिन क्या फ़ायदा, 135 फीट की बता रही है, अरे घुटनों तक तो नहीं पहुँचेंगे ये लोग। जैसे यहाँ तलवे चाट रहे हैं वैसे वहाँ भी तलवे ही चाटेंगे। अरे तलवे का मतलब यहाँ नेताओं के चाट रहे हैं, कुछ पार्टियों के चाट रहे हैं, वहाँ होरों के चाट लेंगे और क्या, क्योंकि पहुँचेंगे ही वहीं तक। नरेंद्र मोदी की बात करते हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई मुझे मेरा कुछ भी करके दिखाए, तो इतना नरेंद्र मोदी के प्रति इतना घमंड क्यों? अभी यूपी चलिए ना आप मेरे साथ, अगर जैसे ही उसका हस्बैंड कहता है ना तलाक दे देंगे, तो वो कहती है योगी को बुला देंगे। अभी आप सोचो, भूल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। कानून को मनवाने में योगी जी का जलवा ही अलग है, चाहे ये तलाकी गैंग हो, तलाकी जमात हो, या फिर पत्थरबाजी वाले जमात हो, या फिर पुराने क्रिमिनल उनका जमात हो, कानून अच्छे से मनवाते हैं। कि मेरी माँ इटली की नहीं है, फॉरेनर नहीं है, ठीक है, मेरी माँ भारतीय नारी है, इस भारत की धरती से उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है, मुझे कुरान में बताया गया है कि जिस धरती पर रहती हो उससे मोहब्बत करो, मैं वो कर रही हूँ। जिसकी माँ इटली की है उसको ये सारी खुफिया बातें और खुफिया चीजें समझ में आएंगी। इटली समझ में तो सबको आ रहा है यहाँ पर। इटली की माँ, इटली की माँ, पता नहीं जी अपने देश में ऐसा कौन सा फेमस चेहरा भाई कि जिसकी माँ इटली की है, उसका बेटा इटली का हुआ तब ना, पता नहीं भाई ऐसा कौन सा फिल्म है, आप लोगों को पता है क्या, कमेंट अभी से दसो। अरे जेठ ने तुम्हारे साथ जाति कब शुरू की? ये 2 साल हो गए मेरे साथ जाति करते हैं, मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। अपने मियाँ को बताती थी, वापस मुझे मारना बहुत ज्यादा मारते थे, बहुत ही मारते, और मेरे जेठ भी साथ ही जाता था, जब मेरा हम बजाया होता सफाई होती थी वो मेरे साथ जाता था। क्यों, तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए? वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते, बहुत ज्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ रात दिन पीछे से कर। जैसे कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि इनके लिए, पोरकियों के लिए माँ बहन बीबी ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ भी ससुर जेठ जेठानी ये सब कोई मायने नहीं रखता है, ये सब आपस में मिलजुल कर प्यार से प्रेम से खाते पीते हैं रहते हैं। इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिया वालों मेरी बात सुने, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता, क्यों कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी में पेशाब करते हैं। अगर इंडिया के साथ ये वापस भी चला जाए, इंडिया इसको ले भी ले, तो शायद इंडिया फिर डूब जाए, फिर दोबारा पाकिस्तान जैसा उसका हाल हो। पाकिस्तानी चचा, तुमने दिल ही नहीं गुर्दा फेफड़ा सब कुछ जीत लिया है, इसलिए नहीं कि तुम भारत की तारीफ कर रहे हो, नहीं, इसलिए कि तुम सच्चाई बोल रहे हो और वो भी पाकिस्तान में रह के सच्चाई बोल रहे हो, ये सबके बस की बात नहीं है, या फिर तो तुम बहुत ही सताए हुए हो, या फिर तुम्हें ऐसे लोग दिखे हैं जो इस परेशानी में हैं, इतनी अच्छी से कोई सच्चाई उस देश में रह के नहीं बोल सकता। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm a member of parliament. नहीं नहीं बाबा जी, वो पहले वाला ही ठीक था, अनफॉर्चुनेटली वाला, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली ही बने हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा असली टैलेंट और तुम्हारे टैलेंट की औकात कितनी है, तो अनफॉर्चुनेटली ही हुआ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बाबा जी के बारे में, अनफॉर्चुनेटली ही है या फिर और कुछ? और बाकी ये इटली वाली माँ बाप वाली क्या बात थी, इस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नाजिया इलाही खान जो एक वकील हैं, आप लोगों ने डिबेट में इनको देखा होगा कहीं ना कहीं, अच्छे से बजाती रहती हैं, तो इनकी जो ये वाली क्लिप थी हमने जो आपको दिखाई, ये आपको कैसे लगी, इस पर आपका क्या टिप्पणी है, कमेंट करके बताइएगा। अपना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो कि फ्री में, पैसा नहीं लगता उसमें, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो पूरी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो नाजिया खान ने जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं मैं उसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि देखो वो मंदिर गई थी, और क्योंकि गई थी क्योंकि उसको खुद को अंदर से मजा आता है, मतलब मंदिर जाना उसको अच्छा लगता, उसको अच्छा लगता है तो वो गई। और हमारा संविधान भी यही कहता है, हम सबको आजादी है, जिसको जो अच्छा लगे, गुनाह करने की आजादी नहीं है, वो सभी धर्म में कहीं नहीं दिखा भी 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 उसको अच्छा लगे, कहां पर भी जाना हो। क्योंकि उसका रह लगा, कोई कोई लोग तो उसका उलट फेर कर देते ना, उल्टा ले लेते हैं, भाई संविधान में तो सभी आजाद, भाई संविधान में आपको आजादी खुल के जीने की है, गुनाह करने की नहीं है भाई, वो किसी संविधान में नहीं है, मतलब कोई एजुकेशन की, बोलने की, एजुकेशन की, बोलने की, खुद का अच्छा सोचने की, वो सब आपको, और खुद की हिफाजत करने की, और खुद को जो पसंद आए, मतलब अच्छी अच्छी बात की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप गलत वे मत लेना, वो आप कर सकते हो, सबको आ जाए, ठीक है। लेकिन जो कोई ऐसी चीज होती है जो खुले आम नहीं हो सकती, वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप घर में कर सकते हो, ठीक है। बात रही दोस्तों नाजिया खान के ऊपर फतवा जारी करना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी मौलाना हो या कोई भी हो, उसके ऊपर फतवा जारी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, और वेड़ तो पाकिस्तान से कोई ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूं, पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया, ये लड़की खुल के लड़ रही है, खुल के सपोर्ट, मतलब किसी के सामने बोल सकती है, ठीक है। और बात रही फतवा जारी करना, इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता नाजिया जी को, और उसमें मैं ये भी बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाजिया खान है जो वही मंदिर जाते, बहुत सारे मुसलमान है जो मंदिर में आते हैं, ठीक है, राम कथा का आयोजन भी करते हैं, राम कथा सुनते भी है, और बहुत सारे हिंदू वो है जो मस्जिदों में जाते हैं, मतलब ये क्राउन प्रिंस है वो भी तो हिंदू, उसने भी अपना लिया है शायद, ऐसा मतलब उसकी बहन के या उसकी कोई बेटी है, उसने मतलब उसका कुछ वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, एनजीओ चल रहा है, और वो सनातन धर्म की ओर से उसका झुकाव है, ऐसा कुछ है, बट मतलब हिंदू धर्म नहीं अपनाया है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग भी देश की तरक्की चाह रहे हैं। हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था तो पाकिस्तान में ये कुछ सब कुछ नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि सब लोग अब खुद के देश की तरक्की चाहते हैं, खुद की इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो, कैसे ग्रो हो, उसके लिए सोच रहे हैं, और देश का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, वहां पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े, ऐसी सब की सोच हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को इसको कोई लेना देना नहीं है। ये वाला वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसमें खास करके हमारे जो मतलब मिनिस्ट्रीज है, जो सारे राजकारणी है, उसका भी जिक्र थोड़ा बहुत हुआ था, तो उसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम राजकारण में है नहीं, उस इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बंदा अच्छा है, कार्य कर रहा है देश के लिए, उसको हम सपोर्ट करते हैं, और खास करके योगी जी का भी जिक्र है, तो सही बात है, योगी जी ने यूपी में बहुत ही बड़ा चेंज लाया है, पता नहीं हम तो कभी यूपी गए नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमने न्यूज में वीडियो में देखा था उस हिसाब से चेंजेस हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम वहां के हैं नहीं यूपी के, तो हमें पूरी डिटेल्स में पता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है यूपी के बारे में, लेकिन जो पहले की हालत थी और अभी की हालत है, जो हमने माओवादी गुंडागर्दी ये सब कुछ था, वो खत्म हो गया है, तो वो अच्छी बात है, हम देखते हैं तो लगता है कि यूपी सच में बदल गया। और सबसे अच्छी बात है, आज हमारे देश की कोई भी लड़की हो, औरत हो, लड़का हो, कोई भी पुरुष हो, रात के कितने भी बजे हो, खुले आम घूम सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, और हमारा देश प्रगति पे प्रगति करता जा रहा है। लास्ट प्रगति की बात करें तो जहां तक एशिया कप था लास्ट में, तो एशिया कप भी इंडिया में ही आया है, वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, देखते हैं, बट वर्ल्ड कप दोस्तों फाइनली इंडिया का ही है इस बार, आगे का भविष्य नहीं पता, इस वाला वर्ल्ड कप इंडिया आएगा ये पक्का है, लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी एशिया कप में भी पाकिस्तानी ने बोला कि ये तो मैं पूरा एशिया कप फिक्स था, इंडिया का ही था, अब देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या बोलते हैं, उसका तो मतलब खुद के लोगों के साथ भी वो लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।